एक बार दोबारा से जाके घर में रिवाइज करना है और सुन के बहुत जल्दी याद होता है, राइट? सो दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर टाइप ऑफ सेल, ये आपने अंदाजा लगाना है कि ये कौन सा सेल है। अभी हम देखते हैं, अभी आपकी आवाज आई है, वेरी गुड। दिस इज प्लांट सेल, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज है। कैसे पता चला ये प्लांट सेल है? सेल वॉल तो यहाँ दोनों में है बेटा, बट कैसे पता चला? ये बीच में जो सैप वैक्यूल है, जो बीच में सेंट्रल वैक्यूल है, इट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल्स। बाकी और ऑर्गेनेलिस तो है ही है। क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज दिस? वेरी गुड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट इज दिस? गोल्जी बॉडीज, गोल्जी अपरेटस नहीं होता इसमें, गोल्जी बॉडीज है, ठीक है। ये कौन सा सेल है? वेयर न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, विच इज दिस सेल? यस, नाइन्थ बी, प्रोकैरियोटिक गुड, दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल बताएंगे मुझे प्रोकैरियोटिक सेल की? नाइन्थ ए, क्या है दोबारा से? ऐसे मुझे समझ नहीं आ रही है। सो नाइन्थ ए जानवी, नो 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 नो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। नाइन्थ बी आशीष, नाइन्थ बी आशीष इज देयर? नाइन्थ बी में आशीष है बेटा? नाइन्थ ए में, सॉरी, नाइन्थ ए में आशीष इज देयर? जशिका, जल्दी से भाग कर आओ। टेल मी एनी एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया बैक्टीरिया, वेरी गुड। कुछ और, एनी अदर एग्जाम्पल? एक और एग्जाम्पल आ जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट? तो बैठो बैठो बेटा, वेरी गुड। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, यहां पर जो है एग्जाम्पल आ जाएगी प्लांट सेल्स में, ग्रीन एल्गी, याद रहे ग्रीन एल्गी, उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स, और भी बहुत टाइप के प्लांट्स हैं, बट अभी हम ये बात करते हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया कि बाकी सब एल्गी यूकेरियोट्स में आती है, एक सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी कम्स अंडर प्रोकेरियोट्स। देन
Which is this cell? एनिमल सेल। कौन सा सेल है? एनिमल सेल। वेरी गुड, दिस इज एनिमल सेल। कैसे पता चला? बिकॉज देयर इज नो सेल वॉल, देयर इज नो सैप वैक्यूल। डिफ्रेंशिएट करना है एनिमल सेल में। सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है। और क्या एब्सेंट है? सैप, सैप वैक्यूल एब्सेंट। बट यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? लाइसोसोम्स प्रेजेंट है। वेयर एज प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स एब्सेंट। इज इट राइट? ये लाइसोसोम्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। दिस इज लाइसोसोम्स। यहाँ पे बहुत और भी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज है, बट ये मेन है। नाउ कैन यू टेल द फोर डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल? अगर डिफरेंसेस पूछे जाएं बेटा, तो सबसे पहले ये ध्यान से, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रही हूं, सबसे पहले एग्जाम्पल देनी है बैक्टीरिया की, मतलब एग्जाम्पल बतानी है। यूकैरियोटिक सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल, ये लिख लेना है एनिमल पूरा। दूसरा, यहां पर प्रोकैरियोट्स में क्या है? ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट। क्या प्रेजेंट है ये नोट कर लेना है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। बट न्यूक्लियोइड प्रेजेंट। हियर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। देन प्रोकैरियोटिक सेल में अनदर इज डीएनए नॉट एसोसिएटेड विद, ये आपकी बुक का ही है, अलग नहीं मैं बता रही हूं, नॉट एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स। और यहां पे जो डीएनए, डीएनए कहां पे है? न्यूक्लियोइड में डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म एवरीबडी नोज, डीऑक्सीराइबोज। वेरी गुड, नाइन्थ बी, राइट। सो डीएनए, ये जो न्यूक्लियोइड है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ डीएनए। जबकि ये क्या है? ये है क्रोमेटिन। ये किसकी बनी है? डीएनए प्लस प्रोटीन्स। इज इट ओके? तो हम यहां कहते हैं डीएनए नॉट एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स, और यहां पे लिख लेना है डीएनए एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स। यहां पे कोई और ऑर्गेनेलीज नहीं है सिवाय राइबोसोम्स। यहां पर भी राइबोसोम्स है। अगर कोई ऑर्गेनेली यहां पर नहीं है, तो राइबोसोम्स कैसे है? कैन यू गिव मी एनी आंसर? व्हाई प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव राइबोसोम्स बट डू नॉट हैव एनी अदर ऑर्गेनेली? क्योंकि बेटा याद रखना है, राइबोसोम हर ऑर्गेनेली की, देखो यहाँ पे देखो, अगर क्लोरोप्लास्ट है, इसकी इसकी दो अपनी वॉल्स है, न्यूक्लियस की वॉल है, माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी मेम्ब्रेन, वॉल तो नहीं हम कहेंगे, मेम्ब्रेन्स है। तो मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। जैसे हम किसको एक्सप्लेन, फॉर एग्जांपल, एक आपका घर है और एक कुटिया है ना, एक जो झोंपड़ी होती है,
झोपड़ी में कोई कमरे नहीं है, एक कमरा है जिसमें सब कुछ हो रहा है, किचन भी वही है, सोना भी वही है, मेहमान भी वही आ रहे हैं। जबकि आप लोगों का घर है तो वहां पे क्या है, चैम्बर्स है अलग अलग, ये ड्राइंग रूम है, ये चिल्ड्रंस रूम है, ये स्टडी रूम है, ये बालकनी है, ये हमारी किचन है, ये वॉशरूम्स है कि नहीं? तो वहां पे मेम्ब्रेन्ड चैम्बर्स है। तो हमारे घर, आपके घर सब यूकैरियोटिक सेल्स है। जबकि अगर हम कहें कि जो एक झोंपड़ी है दैट इज ए प्रोकैरियोटिक सेल, वहां पे कोई चैम्बर, एक बस कॉमन वॉल है, राइट? तो इसी तरह से यहां पर भी राइबोसोम्स फिर कैसे प्रेजेंट है, दीज आर मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली। बेटा ये क्वेश्चन रीजन असर्शन में आ जाता है कि यूकैरियोट्स, लिखो जरा रीजन असर्शन में, लिखो क्वेश्चन असर्शन लिखिए, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेलिस। एवरीबडी, प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेलिस। बट राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। रीजन क्या आ जाएगा? रीजन यहां पे लिखा है, राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर्स। राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेनलेस, लिखो रीजन वाली स्टेटमेंट लिखो बेटा। एवरीबडी 9th A, राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर्स। या राइबोसोम्स आर विदाउट मेम्ब्रेन्स। हां जी, अब मुझे आपको रीजन असर्शन की ऑप्शंस पता है। नाउ टेल मी विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी डी, रेज योर हैंड जल्दी से। ए में आपको पता है असर्शन एंड रीजन बोथ करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन एक्सप्लेन असर्शन। बी ऑप्शन होती है असर्शन एंड रीजन बोथ करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन। सी ऑप्शन है असर्शन करेक्ट रीजन रॉन्ग। डी ऑप्शन है असर्शन रॉन्ग रीजन करेक्ट। हाँ जी 9th A, द फर्स्ट गर्ल टुवर्ड्स राइट साइड। हाँ जी बताइए कहाँ पे, माइक कहाँ पे है? इधर इधर वाली, आप बैठ जाओ बेटा इधर राइट साइड वाली। हो जाओ खड़े। माइक कहाँ पे, माइक के पास जाके आंसर दो। आंसर इज डी, डेल्टा बी। बीटा। चलो देखिए, मतलब इट डज नॉट, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है बट आपके अकॉर्डिंग ये इसको सपोर्ट नहीं करता। चलिए हम देखते हैं, बैठो। एनी डिफरेंट आंसर? यस 9th B। हां जी करेक्ट। क्यों? वो कहा है प्रोकैरियोट लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस बट राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। क्यों राइबोसोम्स प्रेजेंट है? क्योंकि राइबोसोम्स की अपनी मेम्ब्रेन्स होती नहीं, इसलिए वो प्रेजेंट हो सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेरी गुड। ठीक है जी, नेक्स्ट असर्शन रीजन लिखिए जरा। राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम्स ज्वाइन विद
आरएनए टू फॉर्म पॉलीसोम, बेटा ध्यान से अब मेरी, पॉलीसोम सुना है आपने? नहीं, ये देखो ये है आरएनए, दिस इज आरएनए, आरएनए सुना है कि नहीं? Yes. यस, डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को देता है। आरएनए किसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं? आरएनए राइबोसोम्स के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। यहां पर भी हर जगह प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, सभी में बहुत सारे राइबोसोम्स आरएनए के साथ ज्वाइन करके क्या बना देते हैं? पॉलीसोम। राइबोसोम एक फैक्ट्री है, बट रॉ मटेरियल कौन देता है? आरएनए। असल में कहां से आया? डीएनए से। डीएनए ने पास किया आरएनए को, आरएनए आगे प्रोटीन राइबोसोम्स को दे देता है। ठीक है, राइबोसोम अकेले प्रोटीन्स नहीं बना सकते, वो आरएनए के साथ कंबाइन करके प्रोटीन्स बनाते हैं। तो दिस इज पॉलीसोम। राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, राइबोसोम्स ज्वाइन विद आरएनए टू फॉर्म पॉलीसोम। यस, नाइन्थ बी, नाइन्थ बी में आ जाइए जी। चहक, चहक इज देयर? नहीं है चहक आज। देन लवेश आ जाइए। And these students are not from 9th हाँ देखना, मैं ही गड़बड़ कर देती हूँ, आई एम सॉरी, मुझे ही पढ़ने में गड़बड़ हो जाती है। अर्शवीर, अर्शवीर जल्दी से बेटा, आंसर इज, मुझे आंसर सुन गया कहीं से, बट फिर भी आप बताइए। हाँ जोर से। सकता। अच्छा, कोई और नहीं बोलेगा बेटा, अर्शवीर आप ही बोलना, बाकियों की तरफ ध्यान मत दो, स्क्रीन की तरफ देखो। हाँ बस इधर ही देखो। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट असर्शन। दूसरा, यस राइबोसोम्स ज्वाइन विद आरएनए टू फॉर्म पॉलीसोम्स, ये भी ठीक है क्या? यस ये इसको एक्सप्लेन कर रही है? यस मैम नो नो, इट डज नॉट। देखो, राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, इसका बिकॉज करके क्या आना चाहिए था? बिकॉज दे टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आर एन ए एंड फॉर्म प्रोटीन, तब हम कहते। बट ये दोनों स्टेटमेंट तो एज सच कनेक्टेड नहीं है। सो आंसर क्या आ जाएगा? ए की बी, बी आ जाएगा। देखो बाकी सबसे अर्शवीर नहीं बता रही है मुझे, बट इट्स ओके, अर्शवीर को पता है। सो आंसर इज बी। वेरी गुड, बैठो बेटा, आंसर इज बी। ठीक है, तो क्वेश्चन रीजन असर्शन इस तरह से आ जाते हैं, बहुत ही आपको आराम से ये करना है, राइट? तो अब हम बात कर लेते हैं, प्रोकैरियोट्स का आपको पता चल गया, न्यूक्लियोइड है, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज एब्सेंट है, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट है, बाकी सब ऑर्गेनेलिज एब्सेंट है। ओके, एग्जाम्पल दिस। उसके बाद नेक्स्ट है, विच इज द यूनिवर्सल बाउंड्री ऑफ लिविंग सेल्स? यूनिवर्सल बाउंड्री, ऑफ लिविंग सेल्स, ऑल लिविंग सेल्स, चाहे प्रोकैरियोट्स है, चाहे यूकैरियोट्स है, चाहे प्लांट सेल है, चाहे एनिमल सेल है, तो कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कोई भी सेल है, सेल वॉल है या नहीं? हां जी, किधर चले? हां बेटा, ऐसे ना जब क्लासेस लगी हो तो क्लास में से उठकर मत जाया करो। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, कहां आपको पेपर बताया जा रहा है, कहां आप अपने कामों में लगे हुए हो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज यूनिवर्सल बाउंड्री। कोई सा सेल हो, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल, प्रोटोजोनल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल, कोई भी सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेम इन ऑल द सेल्स, राइट? एंड इट इज यूनिवर्सल।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स क्या है? आपने 6th 7th क्लास में पढ़ा फैट्स। फैट्स का दूसरा नाम लिपिड्स है, ठीक है। अनदर थिंग, इट इज फ्लेक्सिबल, तभी सेल के अंदर वाटर जा रहा है कुछ है तो सेल सिकुड़ भी जाते हैं, एक्सपैंड भी कर जाते हैं इस तरह से, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फ्लेक्सिबल है एंड सेमी फ्लूइड या सेमी सॉलिड, जेली लाइक हम इसको कह सकते हैं। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है इट अलाउ, सेलेक्टिव है, मैंने इसको अंदर बाहर आने जाने देने, इनको तो एंट्री मैंने बिल्कुल नहीं देनी, ठीक है, उसकी अपनी इच्छा है। सो इट अलाउज एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स बट डू नॉट अलाउ अदर मॉलिक्यूल्स, इज इट ओके? ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अंदर बाहर आने जाने दे सकती है, कुछ को नहीं जाने देती, राइट? सो इट इज सेलेक्टिव, नॉट फुली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल है। कैसी नजर आती है बेटा ये आपको? सेलेक्टिवली इट अपियर्स लाइक दिस, ये लिपिड्स के दो लेयर्स है, ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर। और जो प्रोटीन्स है बेटा वो लिपिड्स के बाहर और कुछ प्रोटीन्स इन बिटवीन लिपिड्स भी है। ठीक है, सो दीज आर फॉस्फोलिपिड्स हम इनको कहते हैं। मत याद रखना फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स भी याद रख लोगे तो बहुत है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो बड़ा मैक्सिमम पार्ट जो है कौन बना रहा है, लिपिड्स बना रहे हैं। और ये क्या है? प्रोटीन्स है, राइट? सो मे आई शो यू? कैन यू सी इट? देख, मैंने है ना, ये इधर देखो, ये बीच में येलो और उसके ऑरेंज हेड्स है, ये टेल्स हम इनको कहते हैं, और ऑरेंज जो है वो हेड्स है, ठीक है। दीज आर फॉस्फोलिपिड्स, और उसके बाद ये जो डार्क कलर के है ना, दीज आर प्रोटीन्स, अंदर भी होते हैं बाहर भी है, जरूरी नहीं जॉइंट हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। और बीच में और भी बड़ी जैसे कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल दैट, बट ये दो मेन चीजें हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, राइट? तो उसके बाद मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगी। ये देखिए, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये देखिए, ये लिपिड्स दिख रही है आपको, लिपिड्स, और ये ऑरेंज वाले इसका हेड है, और नीचे येलो या ब्राउन, दीज आर टेल्स, यस और नो? ठीक है, ये सब, ये अगर थोड़ा सा ये देखिए, ये आप देख सकते हो दो लेयर्स है लिपिड्स की, ठीक है। एंड कैन यू सी इट कि कैसे ये एक वेव की तरह मूव करते रहते हैं सेल में, पानी का प्रेशर अंदर बाहर से पड़ता रहता है, तो दीज दीज आर फ्लेक्सिबल, राइट? कैन यू सी दिस फ्लूइडिटी? ठीक है, ये तो हम बाद की बातें करेंगे, राइट? सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, जेली है, सेमी फ्लूइड है, राइट? एंड
सब्सटेंसेस। अब हम बात थोड़ा सा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं, ज्यादा नहीं बताऊंगी, बट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या है कि सब्सटेंसेस यहां से इस साइड, यहां से ऐसे, इस साइड ऐसे जा रहे हैं थ्रू द मेम्ब्रेन, राइट। अगर हम ये चीज देखें तो आपको ये चीज कहां पे नजर आएगी बेटा? लेट अस से ये सेल है, चाहे एनिमल सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मैं दिखा रही हूं। ये जो पार्ट है, दिस इज होल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस पार्ट को यहां पे आप ये देखो कि एक्सपैंड किया गया है, मींस यहां पे ये फॉस्फोलिपिड है। कैन यू सी इट? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भी क्या, कई बार नहीं विजुलाइज नहीं हम कर सकते कि कैसे ये स्ट्रक्चर है, तो यहां पे इसको एक्सपैंड करके ये दिखाया गया है। अब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, अब सबस्टांसेस ने इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, कैसे जाएंगे? तो ये कैसे जाते हैं, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट अलोंग। इसका क्या मतलब है? अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? डिफरेंस। अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है दैट इज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होता है अमाउंट, टू लो कंसंट्रेशन, लेस अमाउंट। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि अगर अंबानी हमें पैसे दे रहा है तो वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अंबानी है ना बिलीनियर और हम बेचारे फ्यू लैक्स है हमारे पास, इससे ज्यादा हमारे पास पैसे नहीं, तो बिलीनियर अगर हमें दे रहा है, ज्यादा से कम की तरफ आ रहा है, तो दैट इज ए पैसिव ट्रांसपोर्ट। बट अगर हम अंबानी को पैसे दें, वैसे तो हम सोच नहीं सकते, बट कहने में लेट्स एन एग्जाम्पल कि इफ वी गिव मनी टू सम रिच पीपल देन इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू वर्ड्स हाई कंसंट्रेशन। अगर अंदर कोई भी सब्सटेंस, सब्सटेंस ए बहुत ज्यादा है, बाहर कम है, बट बाहर का जो सॉल्यूशन है उसको वो, या आई एम सॉरी, बाहर जो है इट इज लो एंड इट इज हाई, स्टिल द सेल रिक्वायर्स मोर ऑफ एक्स देन दिस सब्सटेंस, इट मूव्स फ्रॉम लो टू हाई बाय यूजिंग एनर्जी एटीपी। दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। धक्का देना पड़ेगा, ठीक है, वो कहते हैं मैं तो आगे ही बड़ा थोड़ा सा अमाउंट है, मैंने नहीं अंदर जाना, उसको धक्का भी अंदर बहुत जरूरत है, जा तू, राइट। सो दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो एटीपी रिक्वायर्ड, वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी रिक्वायर्ड। डू यू नो एटीपी? एटीपी इज एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बट एनर्जी की फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। यस और नो? Yes. जल्दी से बता दो फिर, एटीपी बनता कहाँ पे, एनर्जी जनरेट कहाँ पर होती है? नाइन्थ है, रेज योर हैंड्स, इन विच ऑर्गेनेली एनर्जी इज जनरेटेड? जल्दी से, वेरी गुड। हाँ जी, हरसिमरन, हरसिमरन इज देयर? हाथ नहीं उठाते हो बेटा, आप हैंड रेज नहीं करते हो। हरसिमरन जल्दी से, इन विच सेल ऑर्गेनेली, पूछना नहीं है इधर उधर, फटाफट याद करो अपना। इन विच सेल ऑर्गेनेली एनर्जी इज जनरेटेड इन द सेल? हाँ जी, जोर से। इन आरएनए।
कौन सा? आरएनए, आरएनए में एनर्जी कैसे बनती है? आरएनए, हाँ राइबोसोम्स। हायो रब्बा मेरे, राइबोसोम्स उन्होंने दसिया। राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। मैं पूछ रही हूँ वेयर एनर्जी इज जनरेटेड, विच इज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइक्रो बेटा मुझे इतने बच्चों की आवाजें सुनी गई है, कॉन्ट्रिया मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे इतनी बच्चों की आवाजें सुन गई है, तो आपको तो बताया ही होगा उन सब ने, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। बेटा ये तो ना बहुत छोटे बच्चों को 7वीं क्लास में जब रेस्पिरेशन पढ़ते हैं ना, तब माइटोकॉन्ड्रिया हम बता देते हैं, है ना। तो ये नहीं, मुझे लग रहा था अभी ये भी नहीं पता होगा कि एनर्जी जनरेट, एटीपी नहीं पता, नो प्रॉब्लम, बट आपकी बुक में एटीपी दिया हुआ है, राइट। तो ये जो है ये बुक मेरे पास पड़ी है, सो बैठो अपनी जगह पर। एटीपी इज गिवन हियर इन माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ देखो कितना, अगर बुक खोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया की चौथी लाइन पे, द फोल्ड्स इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। तो अगर मैं, बुक मत निकालो, बुक मत निकालो अभी, तो बेटा ये तो चीजें, चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो, दो ही चैप्टर्स आने हैं, अगर ये चैप्टर नहीं आता होगा तो 50% मार्क्स गए, 50 में से 25 तो गए, और यही छोटी छोटी चीजें आनी है, तो इसलिए बहुत ही कंसंट्रेशन से बेटा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट अकर्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, 9th A बॉयज सेकेंड बेंच, अगर नहीं ध्यान दोगे तो भूल जाओगे। तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, जब हम किसी चीज के अगेंस्ट जाते हैं तो उसके लिए बहुत एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। रिवर ऊपर से नीचे आ रही है, दैट इज अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बट अगर ऊपर से नीचे से ऊपर भेजना हो, हम जब पानी को नीचे से ऊपर वाली मंजिलों पे भेजते हैं तो क्या लगाते हैं, कैसे हम अपने टैंक्स में पानी भरते हैं, बोलो जल्दी से। नीचे तो प्रेशर से पानी आ रहा है, हमें मोटर लगानी पड़ती है कि नहीं, यस और नो। हाँ मोटर क्या है, एनर्जी ही तो है, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो जब हमें अगेंस्ट भेजना पड़ता है, नीचे से ऊपर भेजना पड़ रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई में भेजना पड़ रहा है, अगेंस्ट हमें भेजना पड़ रहा है, तो एनर्जी यूज होती है, और वो एनर्जी क्या है, एटीपी कंज्यूम होता है। बट अगर ऊपर से नीचे, हाई से लो आ रहा है, सो नो एनर्जी कंजम्पशन अकर्स, राइट। सो एग्जाम्पल हेयर इज पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स का मतलब है सोडियम ने ट्रांसपोर्ट होना है, पोटेशियम ने, कैल्शियम ने, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से है। अदरवाइज डिफ्यूजन एग्जाम्पल आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन एनिमल सेल्स, व्हाट हैपेंस दैट ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनसाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउटसाइड। तो क्वेश्चन आ जाता है हाउ डू गैसेस मूव इनसाइड और आउटसाइड द सेल्स। लिखो क्वेश्चन, हाउ डू द गैसेस, हाउ डू गैसेस मूव इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल्स। तो आंसर आ जाएगा दे मूव इनसाइड एंड आउटसाइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, दे मूव
सिंपल लिख लो, बाय डिफ्यूजन। विच अकर्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टूवर्ड्स लो कंसेंट्रेशन, विच अकर्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन ऑफ वॉटर ओनली, डिफ्यूजन ऑफ वॉटर ओनली थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पानी के डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस कह देते हैं। और सिंपल आप कह सकते हो ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वॉटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट इज ऑस्मोसिस। ओके, अब देखिए, एक ये हमने वाटर ले लिया, वाटर में क्या है बेटा, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। ध्यान से इधर सुनना है, इसमें फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, फॉर एग्जांपल इसमें 50 है क्योंकि बाकी के 50 ने शुगर के साथ कंबाइन कर लिया, यस और नो? तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास इतने ही है। अब यहां पे क्या रखा, एक सेल रख लिया। दिस सेल हैज 70 फ्री वॉटर मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान से सोचो, बाहर 50 फ्री वॉटर मॉलिक्यूल्स है, सेल के अंदर 70 फ्री वॉटर मॉलिक्यूल्स है, वॉटर की ऑस्मोसिस कहां पर होगी, सेल टू आउटसाइड की आउटसाइड, या हम कहेंगे आउटसाइड द सेल की इनसाइड द सेल? यस, हु विल टेल मी, जल्दी से, नाइन्थ बी, अंकित, अंकित इज देयर? बेटा कहां से होगी, आउटसाइड, आउटसाइड क्योंकि ज्यादा से कम की तरफ, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। सो वॉटर मूव्स फ्रॉम, यस, फ्रॉम द सेल टू द आउटर वॉटर या आउटर सोल्यूशन। सो वॉटर मूव्स आउट थ्रू द सेल, दिस इज कॉल्ड एज वेन वॉटर, ब्लैक से लिख लो, मूव्स आउट ऑफ सेल। है तो ये ऑस्मोसिस है, बट कौन सी है, एक्सोस्मोसिस, दिस इज एक्सोस्मोसिस। ये सॉल्यूशन, इसमें सॉल्ट या जो शुगर है वो ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है, इसको हम कह देते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक मींस हैज मोर सॉल्यूट
सोल्यूट यहां पे क्या, शुगर, एंड लेस फ्री वॉटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अभी मैं बताती हूं। तो हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा, टोनिक मींस कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट की। तो इस केस में जब एक्सोस्मोसिस होती है तो क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ सेल। बेटा ऐसा नहीं कि पानी सिर्फ बाहर ही मूव करता है, पानी अंदर बाहर दोनों तरफ जा रहा है, बट नेट मूवमेंट क्या है, दैट इज आउटसाइड। ओके, नाइन्थ ए। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा आ जाता है, यहां पर भी शुगर ये सब है, बट यहां पे क्या है, फ्री वॉटर मॉलिक्यूल्स 90। दिस इज शुगर सॉल्यूशन। एंड इनसाइड द सेल देयर इज 40 वॉटर मॉलिक्यूल्स। सो वेयर द वॉटर मूव्स, आउटसाइड द सेल की इनसाइड द सेल, नाइन्थ है, जल्दी से कहां पर जाएगा, इनसाइड द सेल, वेरी गुड, द वॉटर मूव्स। वैसे तो बाहर भी आ रहा है बट नेट मूवमेंट कहां पर है, अंदर की तरफ है, एंड दिस इज कॉल्ड एज, ये जो सोल्यूशन है दिस इज हाइपोटोनिक। लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन देन सेल, सेल के मुकाबले में बाहर के सोल्यूशन में सोल्यूट कम है, वॉटर ज्यादा है, सोल्यूट कम है। यहां पे क्या हो रहा है, एंडोस्मोसिस, और इसका रिजल्ट क्या है, सेल स्वेल्स। तीसरा आ जाता है बेटा, ये पानी ये सेल, यहां पे भी 50 वाटर मॉलिक्यूल्स, यहां पर भी 50 फ्री वॉटर मॉलिक्यूल्स। व्हेन द आउटर सॉल्यूशन हैज सेम कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब सेम, कंसंट्रेशन ऑफ आउटर सॉल्यूशन इज सेम एज सेल सैप। जितना पानी बाहर आ रहा है उतना ही अंदर जा रहा है। No change in size of cell. Is it okay? और एक आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 9th है, इसी पे ही बेस्ड है, लिखो जरा एनसीईआरटी में बैक क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 9।
उसके अकॉर्डिंग देखें जरा, अब हम ये पोटैटो ले लिया, पोटैटो को खाली कर लिया, बीच में से खाली कर लिया, बाहर थोड़ी सी लेयर, बाहर पानी है, दिस इज वॉटर। यहां पे हमने पानी लिया, वॉटर प्लस 1 टेबल स्पून या टी स्पून ऑफ शुगर। यहां पे हमने बेटा नेल लगा दी, जिस लेवल तक हमने पानी भरा था वहां पे नेल लगा दी, एक पिन लगा दी। अब आप मुझे ये बताइए कि अब ये नेल से ऊपर तक पानी जाएगा थोड़े टाइम बाद, कि नेल से नीचे पानी चला जाएगा, एग्जोस्मोसिस होगी कि एंड ऑस्मोसिस? बाहर सिर्फ पानी है, अंदर शुगर प्लस पानी है, क्या होगा? पोटैटो से पानी बाहर आएगा कि पोटैटो के अंदर जाएगा? यस, हु विल टेल मी? अनमोल, हाँ जी अनमोल बेटा, आप बताओ, अंदर शुगर सॉल्यूशन है, बाहर प्योर वाटर है, तो पानी कहाँ जाएगा, पोटैटो के अंदर कि पोटैटो के बाहर? वाटर मूव इनसाइड द पोटैटो। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, एंडोस्मोसिस विल अकर, राइट? सो द निडल या पिन, इट विल, यू नो, इट विल डिप इनसाइड वाटर, राइट? तो इसके अंदर पानी चला जाएगा, यहां पे होगी। दूसरे केस में ये पिन लगा दी, ये वाटर है, और यहां पे वाटर प्लस शुगर है। एवरीबॉडी, अब पानी कहाँ जाएगा, पोटैटो के अंदर के पोटैटो के बाहर? जोर से एवरीबॉडी, पीछे से भी, बाहर जाएगा, पोटैटो के बाहर जाएगा। एग्जोस्मोसिस विल अकर बिकॉज ऑस्मोसिस अकर्स ऑलवेज फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स लो कंसेंट्रेशन, ठीक है? अब एक आ जाती है बेटा, मैम है यहाँ पे, मैम जरा देखना, 9th B जो है वो डिसकनेक्ट हो गई है, प्लीज चेक कि क्या बात हो गई ठीक है जी। तो ये पोटैटो का आपको पता चल गया। अब एक टर्म आ जाती है बेटा, प्लाज्मोलाइसिस। ये सेल है, कौन सा सेल? प्लांट सेल, दिस इज प्लांट सेल। इसको हमने रख दिया, दिस इज शुगर सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब ज्यादा, दिस इज प्लांट सेल, इसमें बहुत ज्यादा शुगर है, व्हाट विल? हां जी जी मैम एक्चुअली है ना, 9th B में इंटरनेट इशू हो गया, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट। तो अभी आप करवा रहे हो, मैं मैम को बोल देती हूँ, देन शी विल टीच दैम, बिकॉज़ अभी 10 मिनट से रह गए हैं तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट ठीक है, आप ठीक, इनके साथ कंटिन्यू कर लो। ओके ओके। उनको ये कहना शालू कि जो आज की रिकॉर्डिंग है वो जरूर देखें, है श्योर मैम, श्योर मैम। ना, कि भी उसमें बहुत सारी चीजें पता चलेगी, है ना? मैं ऐसा कर दूंगी कि वीडियो का लिंक उनके साथ शेयर कर दूंगी। हाँ, आपके पास मिल ही जाता है आपको, है ना, तो वो लिंक शेयर कर देना, ठीक है? श्योर श्योर मैम। चलिए, ओके, थैंक यू। तो अब बेटा 9th है, अब मुझे बताइए कि यहाँ पे एग्जोस्मोसिस होगी कि एंडोस्मोसिस होगी? अगर फर्स्ट है एग्जोस्मोसिस तो एक हाथ खड़ा करो, अगर एंडोस्मोसिस है तो दोनों हाथ खड़े करो, जल्दी से।
एक दूसरे को देख के नहीं, अपना 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 अपना, क्योंकि हाँ बिल्कुल एग्जोस्मोसिस होगी, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे हाइपरटॉनिक है, शुगर सॉल्यूशन है, जब शुगर डाल दिया, हैंड्स डाउन शुगर डाल दिया तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तो यहां से पानी इधर जाएगा, और जब पानी, जब सेल श्रिंक करेगा, प्लांट सेल की हम बात कर रहे हैं, ड्यू टू एग्जोस्मोसिस द सेल वॉल श्रिंक्स, फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट श्रिंकिंग फ्रॉम द सेल वॉल, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। तो व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम सेल वॉल ड्यू टू श्रिंकिंग कब होती है? ड्यू टू एग्जोस्मोसिस, व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन कौन सा सॉल्यूशन? हाँ जी, कौन से सॉल्यूशन में? हाइपर की हाइपो, कहां पे एग्जोस्मोसिस होगी अगर बाहर वाली सॉल्यूशन कैसी हो? हाइपोटोनिक की हाइपरटोनिक? हाइपरटोनिक, वेरी गुड, प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बेटा ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? ठीक है, लिख लो डेफिनेशन एक बार, जल्दी से लिख लो, व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस, पढ़नी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे भी आते रहेंगे, श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम सेल वॉल ड्यू टू एग्जोस्मोसिस। एंड रिमेंबर दैट, एक आपकी बुक में एक्टिविटी दी हुई है जिससे पता चलता है, ओनली लिविंग सेल्स शो एग्जोस्मोसिस। बेटा आपने देखा होगा या सुना होगा, अगर किसी प्लांट को मारना है ना, तो उसकी जड़ों में ढेर सारा नमक डाल दो, उस नमक से क्या होगा, जो प्लांट के आसपास के सॉल्यूशन क्या हो जाएगी? हाइपरटोनिक, तो प्लांट में से सारा पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, प्लांट एब्जॉर्ब तो करेगा नहीं पानी, बाहर निकालना शुरू कर जाएगा, तो प्लांट मर जाएगा, है ना। कई बार आपने देखा या किया कि दीवारों पे है ना, वो पीपल के छोटे छोटे से प्लांट आ जाते हैं कि नहीं, दीवारों पे, छतों पे, या तो आप उसको उखाड़ोगे, नहीं तो यही काम करो कि छत पे है ना, तो नमक ले जाओ, ठीक है, और उसकी रूट्स में वो डाल दो, देखना कुछ दिन बाद वो प्लांट मर जाएगा, राइट। सो दिस इज द प्लाज्मोलिसिस। गोल्फ ग्राउंड्स होते हैं, गोल्फ ग्राउंड्स में आपको पता है एकदम स्मूथ सी ग्रास होती है, ठीक है, तो वहां पे वीड्स जो आ जाते हैं, जो अनचाही ग्रास आ जाती है, उसको किल करने के लिए थोड़े थोड़े टाइम बाद हम क्या करते हैं, सॉल्टिंग कर देते हैं, ताकि एक्सेस जो प्लांट्स है उनकी एग्जोस्मोसिस होके वो मर जाए और गोल्फ ग्राउंड क्लियर हो जाए। इज इट ओके? सो दिस इज एग्जोस्मोसिस एंड प्लाज्मोलिसिस, क्लियर है बेटा? अगर प्लांट्स को वाटर में रख दिया जाए तो एंडोस्मोसिस होगी, प्लांट स्वेल कर जाएगा, प्लांट सेल तो स्वेल कर जाएगा, बट जो एनिमल सेल है वो बर्स्ट कर जाएगा, क्योंकि उसके पास रिजिड सेल वॉल नहीं होती है, तो इसलिए प्लांट सेल कैन टॉलरेट मोर द एक्सट्रीम ऑफ कंडीशंस, एनिमल सेल्स डू नॉट। बाहर पानी बहुत है तो एनिमल सेल मर गया, फट गया, बाहर पानी कम है तो एनिमल सेल श्रिंक होके फिर मर गया, जबकि प्लांट सेल कैन टॉलरेट मोर द रिजिड कंडीशंस, एक्सट्रीम कंडीशंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इज इट ओके? ठीक है जी, चलिए हम कुछ असाइनमेंट कर लें फटाफट से।
हमारे पास वैसे टाइम तो कम है, बट अगेन असाइनमेंट किस किस के पास है? रेज योर हैंड्स। कितने थोड़े बच्चों के पास है। अच्छा जी चलिए मैं क्वेश्चन बोलती हूँ। फर्स्ट गर्ल लेफ्ट साइड से शुरू हो जाओ। आपके पास है असाइनमेंट्स बेटा गर्ल्स? यस और नो? यस ओके। क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज में आ जाइए द प्रोसेस। बाकी जिसके पास नहीं है वो सुनते चलो, माइक के पास आते चलो वन बाय वन जल्दी से। द प्रोसेस बाय विच गैस मॉलिक्यूल्स क्रॉसेस थ्रू एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोलाई हमारे लंग्स में है। मेम्ब्रेन के थ्रू जो गैस मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर जाते हैं वो कैसे होते हैं? इट इज बाय सिंपल डिफ्यूजन। गैस मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं? बैठो बेटा। इट इज बाय सिंपल डिफ्यूजन। जिसके पास नहीं है वो लिखते, गैस मॉलिक्यूल्स मूव बाय सिंपल डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम सेल इनटू ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल। इट मूव्स आउट ऑफ द सेल व्हेन? कब ये सेल से बाहर कब मूव करेगा? जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड। जब किसी टाइम ऐसा भी हो सकता है जब दोनों जगह CO2 सेम है, बट जब यहाँ पे CO2 बढ़ जाएगी तभी ये बाहर की तरफ मूव करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? द कंसंट्रेशन इन सेल्स बिकम हायर। आंसर इसका आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2C। जिनके पास नहीं असाइनमेंट्स है वो आंसर्स तो लिख लो, घर जाके देख लेना। बर्ड एग, मुर्गी का अंडा जो आप घरों में लेके आते हो, उसकी अगर शेल उतारनी हो तो क्या करोगे? उसको हम एसिड में रख देते हैं। प्लेसिंग इट इन विनेगर। विनेगर क्या है? एसिटिक एसिड है। ओवरनाइट लिख लो। जिसके पास असाइनमेंट नहीं है, द शेल ऑफ द एग कैन बी रिमूव्ड, क्योंकि ये आपके बुक में है एक्सपेरिमेंट्स में। द शेल ऑफ द एग कैन बी रिमूव्ड बाय प्लेसिंग इट इन विनेगर ओवरनाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल? यस पीछे से मैम, जिसके पास असाइनमेंट्स है उन बच्चे को भेजो, किसी को, गर्ल को, पिछली वाली रोज में से एक एक करके भेजते चलो। चलो बेटा चलो जल्दी से। सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स जो फ्लेक्सिबल है। जल्दी से असाइनमेंट लेकर आओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4th। एग मेम्ब्रेन, एग शेल, सेल वॉल की ऑल द अबव। कहाँ है माइक? कहाँ है? जोर से बोलो। क्वेश्चन नंबर 4th। एग एग शेल तो बेटा हार्ड होती है, मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली परमिएबल। बेटा सुनो, ध्यान इधर दो। क्या करते हो सारी क्लास में बैठकर? मेम्ब्रेन्स परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ नहीं। शेल तो हार्ड है, उसके बाद अंडे के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है जो मेम्ब्रेन है। बैठो। आंसर इज ए, 4th A। यस नेक्स्ट गर्ल, जल्दी से पीछे से नेक्स्ट गर्ल आ जाए। भाग कर आओ, भाग कर फटाफट। बेटा मैडम भी ज्वाइंट है मेरे साथ, प्रिंसिपल मैम, जल्दी से खड़े हो जाओ। बाकी ये पीछे वाली सब गर्ल्स को भेजना मैम, कोई बात नहीं। हाँ जी। नहीं। फ्रेश वाटर प्रोटोजोन सच एज अमीबा गेट रिड एक्सेस ऑफ वाटर बाय सैप वैक्यूल की कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल? नहीं बेटा, प्रोटोजोन है, सैप वैक्यूल सिर्फ प्लांट्स में होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल
कॉन्ट्रैक्टाइल, देखो ये बहुत सारा पानी इसमें है, जब पानी इसमें से बाहर चला गया तो ये छोटा हो गया, फिर इसमें पानी अंदर आ गया तो ये फिर ऐसा बन गया, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, ठीक है। जो सैप वैक्यूल, बैठो बेटा, सैप वैक्यूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, वो छोटा बड़ा नहीं होता है, बट ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है फ्रेश वाटर में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। नेक्स्ट, ए टीचर आज द स्टूडेंट टू ब्रिंग ए लीफ फ्रॉम आउटसाइड, ही पुट द पीस ऑफ लीफ ऑन द स्लाइड, देन ही पुट कंसेंट्रेटेड शुगरी सोल्यूशन, लीफ के ऊपर शुगरी सोल्यूशन डाल दिया, मतलब आउटर सोल्यूशन क्या हो गई, हाइपरटॉनिक हो गई। हाँ जी, फर्स्ट बेंच में से जिसको आंसर पता है वो यहीं से जोर से बताए, तो क्या होगा, तो वो क्या देख रहा है कि लीफ पे शुगर सॉल्यूशन डाल दिया बट कोई चेंज नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि लीफ डेड था। मैंने क्या बताया है, प्लाज्मोलिसिस, एग्जोस्मोसिस या प्लाज्मोलिसिस कौन शो करता है, लिविंग सेल, नहीं तो शुगरी सॉल्यूशन डाला था तो जो सेल्स थे वो श्रिंक हो जाने चाहिए थे बट वो हुए नहीं, क्यों, क्योंकि सेल्स जो है वो डेड है। क्वेश्चन नंबर 6 सी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 बता सकते हो सभी, यस बॉयज रेज योर हैंड, क्वेश्चन नंबर 7, ऑल्दो गर्ल्स आर ओवर शाइनिंग इन द एग्जाम्स बट यहाँ पे गर्ल्स आंसर ही नहीं मुझे दे रही, यस एनीबडी, प्लांट सेल कैन विदस्टैंड हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडियम विदाउट बर्स्टिंग बट एनिमल सेल्स दे बर्स्ट बिकॉज, क्यों, जोर से बोलो, मैम किसी को भेजो फटाफट से, जल्दी से भाग कर बेटा, मैम प्लांट सेल हैव माइक्रोफिलामेंट्स व्हिच आर लैकिंग इन एनिमल सेल्स। आयो रब्बास बेटा, सेल वॉल किथे गई, माइक्रो फिलामेंट्स की तो मैंने बात ही नहीं की, क्योंकि प्लांट सेल के बाहर एक रिजिड सेल वॉल है जो उसको बर्स्ट नहीं करने देती, ठीक है बेटा। आपको बताया था कि प्लांट सेल, एनिमल सेल्स बर्स्ट कर जाते अगर उनके अंदर बहुत ज्यादा पानी जाए, बट प्लांट सेल्स नहीं, क्योंकि प्लांट सेल्स के पास रिजिड सेल वॉल है। ओके, सो आंसर इज एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल, ठीक है। सो 7th इज ए, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम सबको पता होगा क्या डिफरेंस है, यस बॉयज में से मैम किसी को, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम, किसी बॉयज को भेजो मैम, किसी भी लड़के को, यस टेल मी, वो हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ वेरी गुड, बी ऑब्जेक्ट, क्रोमेटिन इज प्रेजेंट इन अनडिवाइडिंग सेल व्हाइल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, बिल्कुल ठीक है, बट आंसर डी है, ये भी ठीक है, कैसे डी है, देखो जरा बैठो, दिस इज लॉन्ग फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉइल्ड अनकंडेंस्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे है यहाँ पे, दिस इज क्रोमेटिन प्रेजेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल,
यहाँ पे हमें पता ही नहीं चल रहा कितने हम काउंट करें, कैन नॉट बी काउंटेड, बट डिवाइडिंग सेल्स में यही कंडेंस हो गए। दीज आर क्रोमोसोम्स, राइट? सो दीज आर कंडेंस्ड, सीन एंड काउंटेड क्लियरली। प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो फटाफट से। दिस इज क्रोमेटिन। इस यही जब कंडेंस हुए, छोटे हुए, तो ये क्रोमोसोम्स बन गए। एवरीबडी, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट। दो नंबर का, तीन नंबर का है ये, बनाओ, बनाना जरूर है, और लिख दो, यू विल गेट फुल मार्क्स। टाइम हो गया? अच्छा, पर ये कर लो, बस ये कर लो, लिख लो फटाफट। बेटा सेल में, जल्दी से, एवरीबडी टेल मी, जल्दी से, क्विकली, पावर हाउस ऑफ द सेल्स कौन से है? माइटोकॉन्ड्रिया, किचन ऑफ द सेल, जहां पे प्लांट सेल खाना बनाता है। जोर से, क्लोरोप्लास्ट, प्रोटीन फैक्ट्रीज, राइबोसोम्स, लिपिड सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स कौन बनाता है? गॉल्जी बॉडीज, कॉम्प्लेक्स शुगर्स, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, गॉल्जी बॉडीज। पैकेजिंग कौन करता है प्रोटीन्स की? गॉल्जी बॉडीज। सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक लास्ट जो फंक्शन बता रही हूं, अच्छा, कौन सी दो ऑर्गेनेलीज है जिनके पास अपना डीएनए है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल ठीक है। और एक टर्म आ जाती है बेटा, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इट इज डन बाय आरईआर एंड एससीआर। आरईआर क्या बना रहा है? प्रोटीन्स बना रहा है, और एससीआर कौन बना, क्या बना रहा है? लिपिड्स बना रहा है। और मेम्ब्रेन्स किसकी बनती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, कहीं भी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो वो दोबारा से रीजेनरेट कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? तो मैं आंसर्स आपको बता दूं, इसके बाद कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 9th, इट इज डेल्टा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 9, आंसर्स लिख लो, देख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 10th, ए प्रोकैरियोट्स अल्फा। क्वेश्चन नंबर 11th, डेल्टा क्रोमोप्लास्ट, विच गिव कलर टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 12th, डी कन्वर्जन ऑफ सिंपल शुगर्स इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर्स, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 13, सी, बेटा अगर कोई सेल मर जाए तो उसके डेड कंपोनेंट्स को कौन डिस्पोज ऑफ करता है? लाइसोसोम्स करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर सुसाइडल बैग्स। क्वेश्चन नंबर 14,
वैक्यूल्स, सी क्वेश्चन नंबर 14, सी क्वेश्चन नंबर 15, बीटा बी बॉम्बे वाला, क्वेश्चन नंबर 16, बीटा मिडल लैमेला, ये छोड़ दो, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, 16 छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसाइज द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स, ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 17th का ए, क्वेश्चन नंबर 18th, ए फ्रॉम सॉल्यूशन 1 to 2, क्वेश्चन नंबर 19, बीटा बॉम्बे, क्रोमोसोम्स किसके बने हुए हैं, डीएनए एंड प्रोटीन्स के, क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन दोनों ही, ये किसके बने हैं, डीएनए एंड प्रोटीन्स के। और एक टर्म आ सकती है, व्हाट आर जीन्स, जीन्स आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, याद रखना है, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर जीन्स। ठीक है जी, रीजन असर्शन क्वेश्चंस है, द सेल्स इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, इट इज ए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए रीजन असर्शन। क्वेश्चन नंबर 2, ए क्वेश्चन नंबर 3 भी ए है, क्वेश्चन नंबर 4 भी ए, एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी ए है, सारे रीजन असर्शन के ये सारी ऑप्शंस ए है, करके देखना। ठीक है, एंड आई होप यू विल डू गुड इन द एग्जाम्स बेटा। एनसीईआरटी पूरा चैप्टर पढ़ना ध्यान से, उसके इंटरनल क्वेश्चंस एक्सटर्नल क्वेश्चंस ध्यान से करना, यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके चलिए, ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, बाय बेटा।